ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलो आज की इस वीडियो में ना कुछ न्यू एक्सपेरिमेंटल चीजें देखने के लिए रेडी रहना। ये हमारे फ्री फायर के एक न्यू ह्यूमन कैरेक्टर, न्यू क्या बोलो, मतलब ओल्ड सही, लेकिन ये ह्यूमन कैरेक्टर है जिसके हाथ पैर बॉडी सर पेट जो भी है सब कुछ सही सलामत है एंड देखने में काफी ज्यादा क्यूट सा लग रहा है। चलो ये तो ठीक है, बट क्या होगा अगर हम इस कैरेक्टर के ऊपर थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट कर दे और उसकी ऐसी की तैसी कर दे तो ये कैसा लगने वाला है? जी हाँ, आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। बोलोगे भाई क्या बकवास कर रहा है यार, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं हम गेम के अंदर। तो कर सकते हैं, वो भी तुम देखने वाले हो क्या क्या चीजें होगी, तो भाई पता नहीं। और एक और चीज, क्या हम फ्री फायर के अंदर कुछ ऐसी ट्री लगा सकते हैं जो कि अपने आप ग्रो होता होगा? नहीं ना यार। ठीक है चलो आज वो भी देख लोगे। आज फ्री फायर के अंदर जो ट्री होते हैं उसे अपने आंखों से ग्रो होता हुआ देखोगे जो कि बहुत ज्यादा क्यूट एंड मस्त दिखता है। सो रेडी रहना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब तो अभी से कर दो, बाद में भूल ही जाओगे। तो चलो ठीक है, हम आते हैं अपने पहले एक्सपेरिमेंट पे जो कि ये रहा हमारा क्राफ्टलैंड पे। एंड देन क्या है रे पैस की आंख, ये क्या है भाई, कौन सा कैरेक्टर है ये, सब क्या देखना पड़ रहा है भाई? कोई जंगली जानवर भाई गेम के अंदर घुसाया है, देख लो ये चिंपांजी है, गोरिल्ला है, बंदर, पता नहीं कौन सा जानवर है यार। इसके पैर तो छोटे छोटे हैं। ओके एक मिनट, मैं गनवर खरीद लेता हूँ। तो और यार मैं ग्लूवल से भी बोला हूँ व्हाट भाई, और मेरे गन वगैरह देख लो। तो इसके पैर तो छोटे छोटे है, पतलो टिंगू सा देखने को लग रहा है, लेकिन इसके हाथ बॉडी पेट मुंडी भाई क्या साइज है इसका यार, बंदों को तो मैं ऐसे ही पीट सकता हूँ। चलो ठीक है ट्राई करते हैं। एंड यहाँ पर एक ये मुझे ही मार दिया, और मेरी हेल्थ तो देखो 30,000 भाई, 30,000 का HP, अबे फिर भी मार दे रहे ये लोग। भाई कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओके एक मिनट फिर, अरे ये मैं कहाँ आ गया भाई, चिंपांजी कहाँ गया तू? अरे यार पता नहीं किसी रूम के अंदर आ गया। और भाई कौन मार रहा है यार, आराम से थोड़े रहे भाई, मेरे पिछवाड़ा पूरा तीर से भाई भर दिया इन लोगों ने, क्या रे हरामी भाई, मेरा दोस्त है या फिर क्या है? तो देख लो गाइस भाई मेरे पीछे देखो ना कितने सारे हीरो इन लोगों को भोग दिए। ओके चलो ठीक है भाई, यहाँ पर कुछ गाड़े गन वगैरह मिल रहे हैं तो इन सभी को मैंने ले तो लिया है, लेकिन भाई ये रूम ना पूरा का पूरा ही पैक है, तो यहाँ से निकलूँ कैसे? चलो ठीक है, इस एरो का सहारा लेके थोड़े डैमेज लेके मर जाते हैं, और मेरी हेल्थ तो देखो। तो ओके हम आ चुके हैं बाहर और कुछ तगड़े वाले वेपन लेके। तो अब बताता हूँ इन सभी को भाई, काफी ज्यादा पंगे ले रहे थे ना, वैसे मेरा एम का एरो तो दिखता ही नहीं भाई, मारू कैसे इन लोगों को। मेरा इस वाले एक्सपेरिमेंट में मेरा बॉडी कुछ ज्यादा बड़ा हो चुका है भाई। अब बताना यार फ्री फायर में तुमने कभी भी ऐसा कैरेक्टर देखा है जो की कुछ इस तरह से दिखता हो, एक अलग ही किस्म का है ना, एकदम यूनिक एंड खतरनाक सा, और तुम्हें ऐसा चीज कहीं देखने को मिलेगा क्या यार? मेरे वाला कौन दिखाने वाला है तुम्हें, तो भाई देख लो खतरनाक सा। और हाँ तुम्हें बताऊंगा तुम भी इसे प्ले कर सकते हो, तुम भी खेल सकते हो बिंदास, बताता हूँ अभी और भी बहुत कुछ देखने है तुम्हें। तो ये था हमारा एक चिंपांजी वाला कैरेक्टर जो कि बड़ा खतरनाक है, देखने में कुछ कूल एंड ऑसम है। ठीक है ये तो हो गया ना, अभी नेक्स्ट वाला देखो जो इससे भी खतरनाक है। एंड हम आते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाले गेम पे जो कि ये रहा, कुछ अलग है क्या यहाँ पे? What? है ना गाइस मेरे कैरेक्टर का, हाँ तो देखो भाई इसके अंदर मेरा बॉडी तो सही सलामत है, मुंडी भी छोटा है, पैर भी छोटे, पेट भी छोटे, लेकिन मेरे हाथों को क्या हुआ यार, इसके अंदर कौन सी पावर आ चुकी है? और एक पंच में किसी को मार दिया तो भाई बेचारे का पता नहीं हड्डियों का चूरमा बन जाएगा भाई, और ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तो चलो ये है फैक्ट्री फाइट का फाइट, जहाँ पर भाई बंदे फिश फाइट कर रहे हैं, और मेरे हाथों से तो बचने वाले है नहीं, लेकिन इन सभी को मिले वेपन कहाँ मिला रहे यार, मुझे तो मिला ही नहीं। ओए अबे चीटिंग कर रहे हैं ये लोग, ये देखो मेरे स्पॉन पॉइंट आके भाई चलाए जा रहा, अरे यार मैं करूँ तो करूँ अभी क्या, फंसा दिया इन लोगों ने भाई। तो थोड़ी बहुत चीटिंग वाइटिंग चल रही है यहाँ पे। ओके ओके मैं आ गया बाहर। चलो बेटे अब तुम लोगों को बताता हूँ भाई, बहुत सारा पंगे ले रहे थे ना तो हैं, अबे गन भी मिलते हैं क्या इसके अंदर? अरे ये लोग भाई इतने बड़े बड़े गन लेकर आ रहे, देख रहे हो पता नहीं कहाँ से, लेकिन गन का परचेस करने का ऑप्शन तो कहीं दिया ही इन लोगों ने ये है, अबे क्या क्या हो रहा है ये। और ये देखो गाइस हमारा स्कोर बस 1 का और इसका पूरा 100, ये लोग हम हार चुके हैं। एंड रुको फिर से ट्राई करता हूँ भाई, ऐसे कैसे हम हार जाएंगे, रुक जाओ यार, इतनी बड़ी बड़ी हाथी लेकर आए हैं तो हारने के लिए थोड़ी आए हैं। तो पता नहीं ये लोग भाई गन कहाँ से लेकर आ रहे हैं, कुछ तो यहाँ पर लोचा होगा जरूर से। ओके ये अंदर अपने आप पता नहीं, अरे यार मैं गन भी नहीं परचेस कर पाया 6 भाई। हाँ लेकिन ये अपने आप भाई अंदर गया तो गया कैसे यार, एक मिनट कुछ तो रास्ते वास्ते होंगे यहाँ पर, पता नहीं भाई ये कैसे घुसा अंदर,
यार कुछ सीक्रेट जरूर इसके अंदर है जो कि मुझे अभी पता नहीं है भाई। इसके अंदर जाने का रास्ता जरूर होगा जहाँ से हम गन वगैरह परचेस कर सकते हैं। फिलहाल में तो मुझे कुछ भी पता चल नहीं रहा। और भाई पता नहीं ये लोग गन लेके आ रहे हैं कहाँ कहाँ से और मुझे भाई टपकाई दे रहे हैं। मतलब इतने बड़े हाथ रखने का कोई फायदा ही नहीं है भाई। ओके लेकिन एक मिनट रुको, इस मैप का डिजाइन ये रहा जो कि नीचे खरीदने का ऑप्शन है लेकिन यहाँ जाने के लिए एक टेलीपोर्ट दे रखा है जो कि ऊपर पे है बट वो पूरी तरह से इनविजिबल है और यहाँ से हम जा सकते हैं। तो ये आई थिंक स्पोन के बीच वाले एरिया पे पड़ता है। ठीक है चलो एंड अब देख लिया मैंने एंड अभी बताता हूँ इन सभी को। भाई बहुत सारे पंगे ले रहे थे ना, अब बताता हूँ इन सभी को बड़े बड़े हाथों का कमाल। तो ये आई थिंक इसके बीच में था कहीं पे। ओके आ गया भाई सही जगह है। तो चलो फटाफट से यहाँ बहुत सारे गन वगैरह परचेस कर लेते हैं इससे पहले एक ऊपर चले जाएं। एंड एक एक गन किधर गया भाई, एक उठा और एक फार्मर। चलो ठीक है। ओ भाई मेरे गन भी इन लोगों ने मेरे हाथों के साइज के दिए। भाई मेरे हाथ कुछ ज्यादा बड़े बड़े हैं ना, तो गन भी देख रहे हो क्या खतरनाक मिले। एंड अब इन सभी के तो ऐसे की तैसे होने वाले। भाई बहुत ज्यादा स्पोन के टाइम पे जाके मुझे मार रहे थे ना। एंड अब बोलो भाई कैसा लग रहा है पीटने के। तो चलो यार तुम लोग भी अगर इस मोड को खेलोगे ना तो भाई यहाँ पर गन दिए गए हैं बीच में जाना उसके बाद तुमको ये देखने को मिल जाएगा। हाँ यार ये तुम मेरे को कैसे खेलोगे, तुम्हारे पास कोड तो होना चाहिए ना। तो ये लो ये कोड है सबसे फर्स्ट वाले का जिसमें तुम्हारा बॉडी कुछ ज़्यादा बड़ा हो चुका था उस वाले का। एंड दूसरा वाला कोड ये है जो कि अभी मैं इस मैप को खेल रहा हूँ जिसमें तुम्हारे हाथ कुछ ज़्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे। इन दोनों को ट्राई करना। और यह पूरे गेम के अंदर मतलब दो तीन प्लेयर होते हैं जो कि इस तरह से हाथ बड़े छोटे हो जाते हैं, बाकी सारे कुछ नॉर्मल ही रहते हैं। चलो ठीक है इस कोड को ट्राई कर लेना। लेकिन हाँ इसमें भी एक समस्या है ना कि ये कोड सिर्फ इंडोनेशियन सर्वर पर वर्क करेगा, इंडिया पर काम नहीं करेगा। तो तुम्हारे पास इंडोनेशियन सर्वर की आईडी होगी ना उसमें जाकर ट्राई कर लेना ठीक है। लेकिन चलो अब एक और चीज दिखाता हूँ, फ्री फायर में ग्रो करने वाला ट्री जो कि मैंने खुद से बनाया हुआ है। गाइस ये कहीं सर्वर वगैरह नहीं है, मैंने खुद से इसे बनाया स्क्रिप्टिंग वगैरह करके। तो दिखाता हूँ गाइस ये रहा मेरा क्रापलैंड का मैप जहाँ से हमने एक ट्री लगाया जो कि एक नारियल का और ये छोटे से बड़ा हो रहा है। ये देखो भाई क्या अमेजिंग लग रहा है ये देखने में। एंड इधर हमने एक केले का पेड़ लगाया था जो कि ये रहा एंड ये भी धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है। ये देख लो गाइस है ना एकदम यूनिक खतरनाक। एंड तुम लोग सोचो ऐसे कुछ हम पूरे मैप के अंदर ऐड करते हैं यहाँ पे और सारे के सारे ग्रो होंगे तो क्या कूल लगने वाला है ना। हाँ लेकिन ना इसका थोड़ा स्क्रिप्ट वगैरह है तो अगर तुम लोग बोलोगे कि इसके स्क्रिप्ट को थोड़े बता दे भाई कैसे करते हैं तो मैं इसके में कमेंट करना मैं तुम्हें बता दूंगा। और चलो इस नारियल के ट्री के ऊपर ही खड़े रहते हैं, देखते हैं भाई ये ग्रो करने के बाद हमें कहाँ लेके जाता है। और गाइस क्या ही मतलब भाई गजब लग रहा है ये देखने में। भाई धीरे धीरे पेड़ ग्रो हो रहे हैं ना, सो ये देखने में बहुत ज़्यादा कूल से एनिमेशन के साथ। और ये एक हमने ट्री लगाया ये वाला नारियल का एक बड़ा वो वाइट वाला पौधा जो कि पता नहीं क्या बोलते हैं, पौधा नहीं पेड़ ही है भाई बहुत बड़ा सा। तो अगर तुम लोग बोलोगे इसकी स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं कैसे लिखते हैं, वैसे थोड़ा लंबा तो है बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी सही है। लेकिन तुम लोग यार सीखने में इंटरेस्ट लेते ही नहीं हो, कुछ कुछ प्लेयर है जो कि लेते हैं लेकिन बहुत सारे नहीं लेते। ठीक है चलो बोलोगे तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा। और ये देखो देखते देखते भाई ये ट्री कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, अभी तो कुछ भी नहीं है बहुत ज़्यादा और भी बड़ा होने वाला है टाइम के साथ साथ। तो चलो यार वीडियो को लाइक कर देना सिंपली, नहीं हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। सो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में गाइस धमाकेदार ट्रिक एंड ऑसम वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।